अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। आज तो मजा आने वाला है, इमदाद लेते रहेंगे, कश्मीर भी बेच देंगे, हालात तो यही नजर आ रहे हैं। आज तक आपने पाकिस्तानी जिहादी मानसिकता के, जाहिल मानसिकता के, जज्बे वाले पता नहीं क्या क्या देखे होंगे, लेकिन आज मैं आप सबके लिए पकड़ कर लाई हूँ ऐसे चाचा को जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसको कौन सी कैटेगरी में रखें। लेकिन भाई साहब मजा बहुत आने वाला है चाचा को देखकर, आप हंसते हंसते लुढ़क जाओगे, तो सीट बेल्ट बांध लो और चलो पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है जी। सर बात करने का पर्पस आपसे ये है कि क्या लगता है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशन ज्यादा मजबूत है इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर, या सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन ज्यादा मजबूत है? गुड क्वेश्चन। नहीं, सऊदी अरब दो, सऊदी अरब फिर सऊदी अरब है। तल्लुकात किस कौन से मुल्क के ज्यादा बेहतर है उनके साथ, इंडिया के या पाकिस्तान के? पाकिस्तान इंडिया के साथ है उनके तल्लुकात, उनके सऊदी अरेबिया के। वो आप जो बात कर रहे थे ना शहबाज शरीफ, वो लेने के गए गए हैं। अगर पाकिस्तान के साथ उनके अगर तलक होते तो वो फिर पाकिस्तान को ज्यादा इमदाद देते वो। हम दांतों पे जीना चाहते हैं। इनका काम ही यही अब। क्या कश्मीर का मसला हल करवा पाएंगे हम? इसका कुछ भी नहीं कह सकते, नहीं करवा सकते। अगर शहबाज शरीफ वगैरह चाहें तो करवा सकते हैं। तो अभी तक चाह क्यों नहीं रही? वो इमदाद के पीछे लगे हुए। इमदाद लेते रहेंगे, कश्मीर भी बेच देंगे, हालात तो यही नजर आ रहे हैं। क्या कश्मीर हमारे साथ आना चाहते हैं? बस इमरान खान थे ना जो, उसने कोशिश की थी कि कश्मीर छूट जाए, उसने बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सका। उसके दौरे हुकूमत के अंदर थे, उसके दौर हुकूमत के अंदर तो इंडिया ने वो 370 का आर्टिकल हटा के कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। ये क्या 370 हटा कर अपना हिस्सा बना लिया? भाई साहब वो भारत का हिस्सा है, इवन POK भी हमारा हिस्सा है, पूरा पाकिस्तान की जमीन हमारी है, अपना हिस्सा बना लिया। वाह भाई वाह। इमरान खान साहब ने क्या कर लिया? इमरान खान ने कोशिश की है, कोशिश तो ये सारे कर रहे हैं अभी तक। नहीं, उसने कुछ ज्यादा कोशिश की थी, ज्यादा कोशिश की, इसीलिए कश्मीर उनका हो गया। हाँ, ये भी बात आपने सही की है वैसे। सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि इंडिया जो है वो फैसला करेगा, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा। क्या इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा कश्मीर का? हाँ, इंडिया जो कहेगा वही होगा। वही होगा ना, वही होगा, मान गए आप। हाँ, इंडिया जो कहेगा, और इंडिया को सऊदी अरब वाले कहेंगे तो फिर वो होगा काम। सऊदी क्या इंडिया को इतना मानता है? हाँ, कितना मानता है? मानता है, बहुत मानता है। हाँ, इंडिया को दुबई में इतने के वहाँ पे काम करने वाले हैं, दुबई में ये बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं, वो हमारा मुल्क तो हमारा है ना। वो कौन सा दुबई वगैरह जो मुसलमान मुल्क है ना? दुबई वगैरह मुल्क हमारा मुल्क कैसे है? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। अरबी वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको क्या शहरियत देंगे? नहीं नहीं। नेशनैलिटी नहीं देंगे वहाँ के, नहीं देंगे तो फिर हमारा मुल्क कैसे? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। मुस्लिम मुल्क तो है लेकिन हमारा कैसे हुआ? वहाँ पर आप देखेंगे सारे सबसे ज्यादा इंडियंस वहाँ पर है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे ना मुस्लिम जो है तो मुस्लिम शहर है वो, अगर वहाँ पे इंडियन बहुत गए हैं, इंडियन बांग्लादेशी हैं, सब वही काम कर रहे हैं वहाँ पे, काम कर रहे हैं। हाँ, और पाकिस्तानी काम है इज्जत किसी से? इंडिया वालों की, इंडिया वालों की ज़्यादा इज्जत है। इंडिया गए हैं वहाँ पे? हाँ, मेरे हमारे ना रिश्तेदार सब दुबई में हैं, काफ़ी दुबई में। वो बताते हैं, हाँ वो कहते हैं कि इंडियन की इज्जत क्यों है? इंडियन जो है ना वो कम पैसे में भी काम कर लेते हैं। आप बदतमीजी नहीं कर रहे थे? और आप कश्मीर की बात कर रहे थे हम, क्या कश्मीरी लोग ये चाहेंगे कि हमारे पास रहना मौजूदा सूरत हाल मुल्क के देखते हुए? हमारे पास आएंगे वो इंडिया को छोड़ के कश्मीर के? आज़ादी मिलेगी तो वो आएंगे। किससे आज़ादी? उधर से आज़ाद हो जाएंगे तो। कौन आज़ादी देगा? ये तो अब शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट है हमारी कि उनके लिए कुछ करें। किनके लिए? कश्मीर के लिए। क्या हो रहा है कश्मीर में? कश्मीर में तो बहुत कुछ हो रहा है,
जैसे कि कत्ल कर रहे हैं, सरेआम कत्ल हो रहे हैं। औकात में रहो। सऊदी अरब भी अभी गुन गा रहे हैं इंडिया के, तो क्या इंडिया ज़्यादा करीबी दोस्त हैं सऊदी अरब का? क्योंकि इंडिया के लोग वही, फिर वही बात आ जाती है कि कारोबार सऊदीया में ज़्यादा। हाँ तो इंडियन का ज़्यादा, इसी वजह से वो काम वगैरह उधर करने जाते हैं। नरेंद्र मोदी की ताकत पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं? क्यों? अगर ये शहबाज शरीफ खुद, ये खुद ढीले हैं। ये खुद ढीले हैं इंडिया। मोदी तो, नरेंद्र मोदी तो इतने बड़े मुल्क का हुक्मरान है, तो पाकिस्तान ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ? पाकिस्तान ज्यादा है। हाँ, मुसलमान, मुसलमान आपको पता है, मुसलमान जब डट जाते हैं किस चीज में मुसलमान है? मुसलमान बस, हम मुसलमान ही है। कौन से काम है हमारे मुसलमानों वाले काम है तो नहीं है, मगर हम मुसलमान हैं, फखर से कहते हैं। हाँ, ये कहते हैं सब। तो काम भी तो वो वाले होने चाहिए बिल्कुल। तो तरक्की क्यों नहीं कर रहे अगर हम इतने अच्छे मुसलमान हैं? सवाल है ना। हाँ, जवाब नहीं देंगे, तरक्की क्यों नहीं कर रहे? तरक्की, इंडिया हम तो कहते हैं काफिर मुल्क है, काफिरों के पास कुछ भी नहीं है, ना दुनिया ना आखिरत है। हाँ। वो क्यों नहीं तरक्की, वो क्यों तरक्की कर रहे? सवाल आपका बहुत मुश्किल सवाल था, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं? वो वाले निशान, मेहनती है वो मेहनती है, मेहनत करते, ईमानदार भी है, वादा खिलाफी नहीं करते। नहीं, ईमानदार नहीं है, उनका मान पक्का नहीं है, ईमानदार नहीं है। कैसी बात की आप? ये मुसलमान ईमानदार है, हमारा ईमान वैसे पक्का है, पक्का ईमान है। हम ईमानदार किसी से बात करके पूरा करते हैं, 5 मिनट में आके 5 मिनट में जाते हैं, 5 मिनट का उसको बोल के नहीं जाते, घंटे बाद जाते हैं, वादा करके वादा पूरा करते हैं, करते हैं नहीं ना करते। तो फिर ईमानदार तो वो हुए फिर। तो फिर दुनिया भी उनकी, आखिरत भी उनका, आखिरत का पता नहीं, दुनिया तो उनकी है। दुनिया में देखो ना, तरक्की कर रहे हैं ना, तरक्की कर रहे हैं। आज हम क्यों अब इबरत का निशान बने हुए दुनिया में, हर कटोरा लेकर मुलक से मांग रहे हैं, तो इसमें इज्जत है? नहीं, कोई इज्जत नहीं है। नहीं ना इज्जत है? ना बिल्कुल नहीं। कैसे बनानी है, वही तो पूछ रहा हूँ। इंडिया के साथ तलुकात बेहतर कर लें, करने चाहिए यार, करने चाहिए। अब बहुत हो गया ना, बस कर देना चाहिए, बस करना है, इंडिया के साथ बना लेना चाहिए। नहीं हमारा भाई है ना, बड़ा भाई है। हाँ, उनके साथ बनाएंगे ना हम, तो उधर की चीज़ें इधर आएंगी, इधर से उधर जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से उधर जाती हैं, कुछ इंडिया से इधर आती हैं चीज़ें। 70-80 साल पीछे चले जाएं, एक ही तो थे, बंटवारा नहीं हुआ वो तो, बॉर्डर भी तो नहीं, एक थे, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रहते थे। हाँ, जैसे क्या नफरतें आन पड़ी कि अलहदा हो गए, ना वो हमें जब पसंद करते ना हम उनको पसंद करते, क्यों ऐसा हुआ? ये तो पुरानी बातें हैं। क्या आप दोबारा से चाहते हैं कि एक हो जाए हम? नहीं, प्यार मोहब्बत से होना चाहिए। हाँ, हो जाए, एक बॉर्डर खत्म करके नहीं, हम बातों में तो एक हो सकते हैं ना, एक हो जाए। भाई कहते हैं उन्हें एक ही नस्ल के हैं, एक ही ओरिजिन से ताल्लुक है हमारा। हाँ, अगर एक हो जाते हैं ना, बिल्कुल एक हो जाते हैं, तो कश्मीर छूट जाएगा फिर हमारा। मतलब कैसे? हाँ, जब उनके साथ दोस्ती हो जाएगी, वो हमारी बातें मानेगा, कुछ हम उनकी मानेंगे, तो इसमें फिर उनका मसला हम मनवा लेंगे उनको, फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। हाँ, फिर हो सकता है। हाँ, वैसे नहीं हो सकता। अगर कश्मीरी खुद कहें कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, फिर वो नहीं कहेंगे कभी। और अगर कह देते हैं? नहीं, कह ही नहीं सकते वो यार। अगर वो कह देते हैं, वो जो उनके साथ हो रहा है ना, वो नहीं कहेंगे। अच्छा, हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे पे जुल्म बड़ा जो हो रहा है उनके, हमारे साथ जो इस टाइम मौजूदा आटा नहीं मिल रहा, घी महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, रोटी महंगी, जुल्म कश्मीरियों का बड़ा या हमारा? इसको तो छोड़ ही देना आप, जैसी महंगाई चल रही है तो इस महंगाई में क्या वो हमारे पास आएंगे यार? नहीं आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे? यहाँ से मुल्क छोड़कर तो एक साल के अंदर 30 लाख नौजवान चला गया, 30 लाख लोग अपने बीवी बच्चों समेत मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो हमारे पास आएगा? आएगा। हाँ, अगर आज़ाद होगा तो आएगा, वो पाकिस्तान में आएगा। तो पाकिस्तान छोड़कर क्यों जा रहे हैं लोग? मगर वो आएंगे। मगर वो आएंगे। बस यार, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को लाइफ में। मतलब चाचा के मुल्क में खुद की आवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, भूखे मरते हैं, भीख पर जिंदा है,
और कश्मीरियों को मिलाना चाहते हैं। और चाचा का कॉन्फिडेंस तो देखो कि वो आ जाएंगे। हलवा है क्या चाचा? हम उनसे एक होकर उनको मनवा लेंगे। हैं? पागल है क्या हम? कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं है? कंफ्यूज तो नहीं है? आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये चाचा, कमेंट सेक्शन में बता देना। आज का वीडियो बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई।